बाय रवि, बाय बाय अमित, राखी, गुड नाइट। गुड नाइट तुम लोगों के लिए, गुड नाइट है मेरे लिए, तो दिन शुरू हुआ है। चलो फिर, सी यू, बाय बाय। कमाल है यार, मैं तुझे हमेशा डराने की कोशिश करता हूँ, तू डरती नहीं। लिसन, मुझे किसी से डर नहीं लगता। अच्छा, या आधी रात के बाद आने वाली आत्माओं से भी नहीं? रवि, आत्माएं वात्माएं कुछ नहीं होती हैं, सिर्फ कहानियां होती हैं लोगों के मनोरंजन के लिए। ऑल राइट, ए 12 बजने वाले, मुझे अपना शो शुरू करना है, सो सी यू। ए तू काम कर, मैं तो घर जा रहा हूं। सी यू, बाय। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, 1 2 3, हियर वी गो, ग्रेट। आधी रात के बाद, जी हाँ, आधी रात के बाद कई ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में सोचना ही इंसानों के लिए भयानक हो सकता है। सुनसान अंधेरी गलियों में सुनाई देती है किसी आत्मा की आहट। क्या आपने कभी किसी आत्मा की आहट सुनी है, या फिर कभी किसी आत्मा को देखा है? अगर हाँ, तो हमें फोन कीजिए और सुनाइए अपनी डरावनी कहानियाँ। हमारा फर्स्ट लकी कॉलर, लेट्स हियर इट। हेलो, आधी रात के बाद। आधी रात के बाद में आपका स्वागत है, आपका नाम प्लीज? नम्रता। नम्रता जी, सुनाइए अपनी डरावनी कहानी। देखिए, ये कहानी नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है। कुछ दिन पहले मैं जैसे ही अपने कॉलेज पहुंची, तो मैंने देखा अचानक सभी स्टूडेंट्स क्लासरूम से गायब हो गए। क्या? हाँ, और दिन से अचानक रात हो गई, कॉलेज के सभी दरवाजे बंद हो गए। मैं बाहर भागने की कोशिश करने लगी, पर तभी मेरे सामने एक ऑफिसर खड़े खड़े गायब हो गया, चुके थे। नम्रता जी, मैं आपको याद दिला दूं, हमारा जो ये शो है ना, आधी रात के बाद, ये डरावनी कहानियों का शो है, कोई चुटकुलों का नहीं। सो थैंक्स फॉर कॉलिंग। तो वेट करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर का। नेक्स्ट कॉलर, हाँ जी, आपका नाम? नाम इंसानों का होता है, आत्माओं का नहीं। आत्मा? आत्मा हूँ मैं, आत्मा। किसकी आत्मा? मूर्ति की आत्मा। वाह वाह, पहली बार किसी आत्मा ने हमें खुद फोन किया है, ग्रेट, हमारे तो भाग ही खुल गए। तो आत्मा जी, अपनी कहानी सुनाइए प्लीज। Oh!
डरावनी कहानी सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आत्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी कहानी सुनाई। वैसे मैं आपका नाम जान सकती हूँ प्लीज? मैंने कहा ना, आत्माओं का नाम नहीं होता। ओके, राइट। लेकिन जब आप जिंदा थे तब तो कोई नाम होगा ना? हेलो हेलो हेलो, उप्स, लगता है हमारा आत्माओं की दुनिया से संपर्क टूट चुका है। नो प्रॉब्लम्स, आज की रात के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई कहानी के साथ, लेकिन आधी रात के बाद। सो फिलहाल एक सॉन्ग सुनिए। राखी, तुम्हारे शो ने तो तहलका मचा दिया, तहलका। चारों तरफ सिर्फ तुम्हारे शो की गूंज है और सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए इसने। I'm so happy. Thank you so much, sir. और मुझे तो यकीन नहीं आता कि लोगों को ये डरावनी कहानी इतनी पसंद आएगी। Actually. Congrats, राखी. Thanks, Ravi. But you know what? Thanks to manager, sir, कि मेरे आइडिया पे इतना भरोसा दिखाया और मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। अरे भरोसा तो करना ही था भाई, और मैं तो वैसे ही शुरू से कॉन्फिडेंट था इस शो को लेकर कि ये जरूर हिट होगा। और कल रात की वो आत्मा वाली कहानी, मेरी तो खुद की हालत खराब हो गई थी सुनकर। Sorry to interrupt, sir. लेकिन 12 बज चुके हैं, मेरा शो शुरू होने वाला है। So I leave. Please carry on. Thank you. See you. Okay guys, please carry on. Yeah. रवि, yes, sir. तुम जरा दो मिनट रुको। Yes. कल रात का जो शो था, जो प्रोग्राम था, वो तुम और सुरेश दोनों मिलकर होस्ट करने वाले थे। तुमने अकेले क्यों होस्ट किया? सर क्या करता, सुरेश आया ही नहीं। सुरेश आया नहीं? नो सर। सो अनप्रोफेशनल। तुमने उसे फोन किया था? किया था सर, पर उसका फोन बंद आ रहा था। फोन बंद आ रहा था? यस। पर आज से पहले तो सुरेश ने ऐसे कभी कुछ किया नहीं। हाँ, तुम एक काम करो, कल उसके घर पर जाओ और पता करो कि आखिर ये चक्कर क्या है। ओके सर। हे, हमारा फर्स्ट लकी कॉलर। हेलो, वेलकम टू आधी रात के बाद। आपका नाम? आत्माओं का नाम नहीं होता। उप्स, आत्मा जी, आप फिर से? वेरी गुड। आज आप हमें क्या सुनाएंगे? आधी रात के बाद एक आदमी अपने घर जा रहा था अपने ऑफिस से कि तभी अचानक उसकी मोटरसाइकिल खराब हो गई। बाइक को भी यहीं खराब होना था। इतनी रात को अब घर कैसे जाऊं? कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। बस स्टॉप, शायद कोई बस मिल जाए। ट्राई करता हूं। आखिरी बस की टाइमिंग 12:10। अभी बजे 12, मतलब 10 मिनट।
हो सकता है कोई बस मिल जाए। अरे बॉस, आखिरी बस चली गई क्या? नहीं। ओह, थैंक गॉड। वैसे आप भी इसी बस में जाने वाले हैं क्या? बॉस, बस आ गई, तैयार हो जाओ। आत्मा जी, आप मुझे प्लीज एक बात बताइए, आपके पास क्या डरावनी कहानियों की कोई किताब है जो आप रोज नई नई अच्छी अच्छी कहानियां हमें सुनाते हैं? ग्रेट, आई एम वेरी श्योर कि हमारे लिसनर्स बहुत उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि इस आत्मा का आखिर नाम क्या है। मेरा नाम पूछती हो, कानों में आत्मा हूं। लिसन, मजाक कुछ हद तक अच्छा लगता है, उसके बाद सब तुम्हें मजाक लग रहा है। जो कुछ मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये कहानियां नहीं है, ये सब सच्चाई है, सच्चाई। आज सुरेश ऑफिस नहीं आया। सुरेश, आप सुरेश के बारे में कैसे जानते हैं? आत्माएं सब जानती है, सब जानती है। हेलो हेलो, लेकिन आप हेलो, सुरेश, 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 कहाँ हो तुम? सुरेश? शायद रसोई घर में होगा, मैं जाकर देखता हूँ। रवि एक मिनट, अगर ये कहानी सच्ची है ना रवि, तो वो रसोई में नहीं, अपने बेडरूम में होगा। बेडरूम में? हाँ, और उसके कमरे का दरवाजा खुला होगा। और उसके खून के छींटे कमरे के बाहर तक गए। दरवाजा तो खुला हुआ है। और दरवाजे के आसपास खून के छींटे हैं क्या? और उसकी लाश दरवाजे पर पड़ी होगी। इसका मतलब वो लाश भी दरवाजे के आसपास ही होनी चाहिए। राखी, यहाँ पे कोई लाश वाश नहीं है। टेबल गिरी हुई है। हाँ, ये तो बिल्कुल लैंप भी गिरा हुआ है। टीवी केबल। टीवी का केबल भी निकला हुआ है। देखा, बिल्कुल
बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे उस आत्मा ने अपनी कहानी में बताया था, बिल्कुल वैसा ही। देखो तो सही रवि, लैंप, टेबल, टीवी की। रिलैक्स राखी, जरूर सुरेश ने ये सब चीजें पहले से रखी होगी। अच्छा तो ये खून, ये खून? अरे ये खून नकली भी तो हो सकता है, तुम खुद ही सोचो, अगर सारी बातें सच होती तो हमें सुरेश की लाश यहाँ पे मिलती, ये तुम्हें मिली नहीं ना? ये सुरेश को तो मैं छोड़ूंगा नहीं आज। राखी क्या हुआ? सुरेश, सुरेश, देखा मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना, तुमने तुमने मेरी बात पे यकीन नहीं किया था ना, इसका मतलब वो दूसरी बात भी सच होने वाली है, वो बस स्टॉप वाली बात भी सच होने वाली है। What? ये सब सच होने वाला है, मैं भी नहीं बचूंगा। पर वो आदमी तो जिंदा ही होगा ना, पर उसने किसी को पता है क्यों नहीं इस आत्मा के बारे में? तुझे क्या लगता है कि सच में कोई आत्मा है? अगर मैंने इन लोगों को सब कुछ सच सच बता दिया तो हो सकता है वो आत्मा सुरेश की तरह मुझे भी मार डाले। नहीं, मैं तो शहर छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन उस फोन करने वाले को कैसे पता चला सुरेश के बारे में? हो सकता है उसी ने फोन किया और उसे मार दिया। मैं अभी आया। कुछ नहीं, वो 11:15 बज चुके हैं, यामिनी 11 बजे आने वाली थी। ओ, यामिनी के बारे में सोच रहा है? टेंशन मत ले, फोन आ गया था। फोन आ गया था? उसने तुझे फोन किया? क्यों, नहीं करना चाहिए था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तुझे फोन कर सकती है, प्रॉब्लम क्या है उसमें? क्या कह रही थी? कौन? अरे यामिनी के बारे में? हाँ कुछ नहीं यार, शादी कर रही है ना, लड़के वाले आ रहे देखने के लिए। क्या, लड़के वाले देखने आ रहे हैं? लेकिन एक बात तो है यार, जिस किसी के भी साथ यामिनी की शादी होगी ना, वो लड़का खुश नसीब होने वाला है, लिख के ले ले। शायद। वैसे कौन है वो लड़का, करता क्या है? बोला था मैंने तेरे को, सोच यामिनी के बारे में थोड़ा सोच। लेकिन तू जनाब मेरी बात मानते कहाँ है? कोई बात नहीं, कुछ नहीं बिगड़ा, अब जब यामिनी की शादी होगी ना, मेरे साथ बारात में नाचना। हाँ हाय यामिनी। बातें हो रही थी? कुछ नहीं है, वही टाइम पास कर रहे थे। तो सब कुछ फाइनल हो गया? फाइनल? किस बारे में? तुम्हारी शादी की, वो लड़का आ रहा था तुम्हें देखने के लिए। शादी, लड़का, ये तुम क्या कह रहे हो? ये तुम्हें किसने बताया? किसने? इसने। और तुमने भरोसा कर लिया?
शादी लड़का क्या ये सब? अरे यार कब से तेरे बारे में पूछ पूछ के बोर कर दिया इसने मुझे, छोड़ दिया बम। मैं कब पूछा था इसके बारे में? वैसे तुम्हें देर क्यों हो गई? तुम लोगों ने रेडियो नेशन का नाम सुना है? हाँ, वो रेडियो स्टेशन। उस पर हर रोज रात को 12 बजे एक शो आता है, आधी रात के बाद। हाँ, ये वही शो है ना जहाँ पर लोग फोन करके अपनी डरावनी कहानियाँ सुनाते हैं? करेक्ट, उसी शो के बारे में पता लगा रही थी। सुना उस प्रोग्राम में जो भी कहानियाँ आ रही वो सच होने लगी। क्या? हाँ, कहानियाँ सच होने लगी। हाँ, और सुना है कि वहाँ कोई आत्मा खुद फोन करती। आत्मा फोन करती? अगर ये बात सच है तो आज हम लोग खुद ये प्रोग्राम सुनेंगे। दस्तक आप तक पहुंचाने हम फिर से हाजिर हैं। आधी रात के बाद हमारे इस मिडनाइट प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। जिनका दिल कमजोर है वो ये प्रोग्राम बिल्कुल ना सुने, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम आपको सुनाने वाले हैं डरावनी डरावनी कहानियां। तो चलिए देखते हैं कि अब हमें नेक्स्ट कॉल कौन करता है। रात के बाद में आपका स्वागत है। लेकिन वो दूसरी बस स्टॉप वाली कहानी तो सच नहीं हुई ना? वो भी सच्ची थी, पर बेचारा राकेश इतना डर गया था कि उसका मुंह ही नहीं खुल पाया। राकेश मतलब ये दूसरा हादसा राकेश के साथ हुआ था? लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? लोगों ने रेडियो कहानी सुनने के लिए चला रखा है, तुम्हारे सवाल सुनने के लिए नहीं। तुम रुको, तुम कोई कहानी मत सुनाना वरना वो भी सच हो जाएगी। वो तो होनी ही है। सुनो। नहीं। आधी रात के बाद एक नौजवान लड़का अपना मोबाइल ऑन करता है रेडियो पर तुम्हारा शो सुनने के लिए, पर ये क्या, घर के अंदर तो नेटवर्क ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, बाहर गार्डन में कोशिश करते हैं। अरे यार, मेरा मोबाइल का रेडियो सिग्नल क्यों नहीं पकड़ रहा? अरे यार, अब तो मेरा शो भी शुरू हो गया होगा।
को भी अभी जलाऊंगा। इसे बचाना होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये किसके साथ हो रहा है। पर वो इसे मार डालेगा हर्ष। मत मारो उसे, प्लीज, प्लीज रुक जाओ, मत मारो उसे। रेडियो जर्नलिज्म के नकली स्टूडेंट्स बनकर हम यहाँ तक तो पहुँच गए, पर क्या हम ताकजाक कर पाएंगे? अरे जब राघव तुम लोग के साथ है तो तुम लोग टेंशन क्यों लेते हो यार? चल चेक करते। टेप रिकॉर्डर। ये लोग सारे शोज़ इस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करते होंगे। शायद ये कल रात की टेप हो। चेक करके देखो। इसमें से तो कोई आवाज नहीं आ रही। आवाज रिकॉर्ड नहीं है तो क्या हो गया? इटली समय वो नंबर तो मिलना चाहिए जिससे वो आत्मा फोन करती थी। शायद वो नंबर इस कंप्यूटर में हो। चेक करता हूँ। ये वाली कॉल तो आज सुबह ही आई है, रात के 12 बजे का देख। ये क्या, कल रात को आखिरी कॉल 10:30 बजे आई थी, 12 और 12:30 के बीच में कोई कॉल नहीं आई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? वो आत्मा किसी नंबर से तो कॉल कर रही होगी ना। पिछले दिन के रिकॉर्ड चेक करो। बाकी सारे रिकॉर्ड डिलीट हो चुके हैं। बड़ी अजीब बात है, ये आत्मा आखिर चाहती क्या है और ये राखी को ही कॉल क्यों कर रही है? सर, प्लीज प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए सर। अगर हमने ये शो बंद नहीं किया ना तो न जाने कितने बेगुनाह मारे जाएंगे। राखी, तू मेरी बात ध्यान से सुनो।
एक हिट शो को बंद करने का तुम मतलब जानती हो? लोग हमारे रेडियो स्टेशन को सुनना बंद कर देंगे और लाखों का नुकसान होगा वो अलग। सर आपको पैसों की पड़ी है और यहाँ लोगों की जाने जा रही है, उसका क्या? अरे किसी की जान नहीं जाएगी। अगर तुम लोगों को यकीन नहीं आता तो सब लोग आज यही रुको ऑफिस में, कोई कहीं नहीं जाएगा। सर अगर उस आत्मा ने फिर से कहानी सुनाना शुरू कर दिया तो ठीक है, कहानी कैंसिल, हम लोगों को कुछ और सुना देंगे, लेकिन शो मस्ट गो ऑन। कहानी की जगह क्या सर? व्हाट अबाउट चैट शो? चैट शो के बारे में क्या ख्याल है? एक काम करते हैं, किसी मेहमान को बुलाओ और उनसे उनके एक्सपीरियंस पूछो आत्माओं के बारे में, और आज कोई फोन पिक नहीं करेगा। और एक बात, इस ऑफिस से आज कोई बाहर नहीं जाएगा जब तक ये शो खत्म नहीं हो जाता। क्लियर? यू गाइस कैन लीव। यामिनी तुम एक काम करो, तुम इस शो में मेहमान बनकर चली जाओ। हाँ, इसी बहाने हमें यहाँ रहने का मौका मिल जाएगा और फिर हम ये भी जान पाएंगे कि वाकई कोई आत्मा यहाँ पर फोन करती है या नहीं। राखी। यस। हाय, मेरा नाम यामिनी है, ये राघव और ये हर्ष। क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? राखी, आप ही का शो आता है ना 12 बजे के बाद? जी। हमने सुना है कि आपके शो में जो भी कहानियां आती हैं वो सच हो जाती हैं। हाँ जी, और मैं बहुत परेशान हूँ शो को लेकर। देखिए राखी, हमने आपकी सारी बातें सुन ली है, हम आपकी ये कहानियां रोकने में मदद कर सकते हैं। लेकिन आप लोग मेरी मदद कैसे करेंगे? वो आप हम पर छोड़ दीजिए, आज मैं आपके शो पर मेहमान बनकर आना चाहती हूँ। आधी रात के बाद में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाऊंगी, बल्कि आज हमने एक ऐसे मेहमान को बुलाया है जिससे हम आत्माओं के बारे में बात करेंगे। उसका नाम है यामिनी। यामिनी, आपका हमारे शो में स्वागत है। थैंक यू राखी। अच्छा यामिनी, एक बात बताइए, आपने कभी आत्मा को देखा है? हाँ, मेरा सामना कई बार आत्माओं के साथ हुआ है। आपको डर नहीं लगता? मैंने सुना है कि आत्माएं इंसान को खा जाती हैं। नहीं, सारी आत्माएं बुरी नहीं होती, कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो नुकसान नहीं पहुंचाती। ये तो उस आत्मा का ही फोन लगता है। फोन मत उठाना, कोई फोन मत उठाना। बोला था ना कुछ नहीं होगा, तुम लोग खा बखा डर रहे थे। एनीवे, अब तुम लोग एक शो सुनो, मैं जरा वॉशरूम हो गया था। उस आत्मा ने फोन काट दिया, कहीं फोन ना उठाने का अंजाम और भी ज्यादा बुरा ना हो जाए। कुछ नहीं होगा। हम आपकी बातचीत जारी रखेंगे यामिनी के साथ, तब तक आप एक गाना सुनिए। तुझे क्या लगा? अगर तू मेरा फोन नहीं उठाएगी तो ये कहानियां सुनाना बंद कर दूंगा। ये आवाज, ये आत्मा की आवाज इसमें कैसे है? ये क्या हो रहा है? राखी, ट्रैक चेंज कर दो। ट्रैक कुछ नहीं होगा, ट्रैक चेंज करेगी तो मेरी आवाज बंद हो जाएगी। समझती क्या है? ये क्या हो रहा है? आत्मा हूँ आत्मा, मौत अगर किस्मत में हो तो कोई तरीका नहीं है उससे बचने का। क्या हो रहा है? तो कहानी शुरू करें। ये कहानी है एक रेडियो स्टेशन के मैनेजर की।
कौन है वहां पे? मैं पूछता हूं कौन है वहां पे? कौन है यहां पे? कौन मजाक कर रहा मेरे साथ? मैं पूछता कौन है यहां पे? कौन है यहां पे? मजाक मत करो मेरे साथ। कौन है वहां पे? मैं पूछता कौन है यहां पे? कौन है जो मेरे साथ मजाक कर रहा है? कौन है यहां पे? लेकिन मैनेजर तो बाथरूम क्या हुआ? मैं अभी जाके देखता हूँ। इस कहानी को रोको। इस कंसोल का मेन पावर सप्लाई कहाँ है? बहुत हो गया। अब अगर ये मौत का प्रोग्राम बंद नहीं किया तो हम सब मारे जाएंगे। मैं तो ये नौकरी छोड़कर जा रही हूं। मेरा अब इस रेडियो नेशन से कोई लेना देना नहीं। सिर्फ तुम ही नहीं, हम सब यहां से जाएंगे। मैंने मैनेजमेंट से बात कर ली है, वो इस रेडियो नेशन पे ताला लगाने आ रहे हैं। चलो अच्छा ही हुआ। अगर ये कदम पहले ही उठा लिया होता तो सुरेश के बाद और मौतें नहीं होती आज। चलो चलते। रमेश, रमेश ये लो ये चाबियां, सारे दरवाजे बंद कर दो, जाओ। तो आपका ये रेडियो स्टेशन बंद हो रहा है? हाँ, और इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। लेकिन फिर भी इस बात की जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है कि आत्मा है कौन और चाहती क्या है। और ये भी कि उस आत्मा ने तुम्हारा शो ही क्यों चुना? लोगों को मारने के लिए। अगर इस बात का जवाब मेरे पास होता ना तो इतने लोगों की मौतें ही नहीं होती। अच्छा तो तुम क्या ये बता सकती हो कि ये शो शुरू करने का आइडिया तुम्हारे पास कहाँ से आया? वो एक बार मैंने ना रोहित नाम के एक लड़के के बारे में सुना था जो रेडियो के जरिए आत्माओं को बुलाने की कोशिश करता था। बस मुझे भी वहीं से आइडिया आया कि क्यों ना हम भी आत्माओं के ऊपर एक ऐसा ही शो करें। तो क्या ये रोहित कामयाब हुआ था? क्या वो रेडियो के जरिए आत्माओं तक पहुंच पाया था? वो तो मुझे नहीं पता। क्या आप हमें कहीं से रोहित का एड्रेस दे सकती है? रोहित मर चुका है। रोहित मर चुका है? ये कब हुआ? उस मनहूस रात को जब फिर से वो कोशिश कर रहा था रेडियो के जरिए आत्माओं तक पहुंचने की। ये आवाज कैसी? ये आवाजें दूसरी दुनिया से तो नहीं? हाँ, ये आत्माओं की दुनिया से।
शीशे के बाद ये फ्रीक्वेंसी मिल गई मुझे, जिससे मैं आत्मा से संपर्क कर सकता हूँ। मिल गई मुझे, मिल गई। मत मारो मुझे, मत मारो मुझे, मैं कहाँ आ गया हूँ? क्या तुम मेरी आवाज़ सुन सकते हो? मैं इंसानों की दुनिया से बोल रहा हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों परेशान कर रहे हो? मैं परेशान नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस आत्माओं से बात करना चाहता हूँ, बस। चुप! अरे आत्माओं को परेशान नहीं करते, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। कीमत? कैसी कीमत? मैं दरवाजा खटखटाती रही, पर वो बेचारा खोल ही नहीं पाया। आज भी उसकी चीख की आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। वाकई आपके बेटे के साथ बहुत बुरा हुआ। आत्माओं से बात करने के जुनून ने जान ले ली उसकी। आंटी, क्या आपने रेडियो नेशन नाम के एक रेडियो स्टेशन के बारे में सुना है? वहां पर एक प्रोग्राम आता है रात के 12 बजे, जिसका नाम है आधी रात के बाद। दरअसल उस प्रोग्राम में जो भी डरावनी कहानियां आती हैं, वो कहानियां सच हो जाती हैं। क्या आप इसके बारे में कुछ जानती हैं? क्या आप जानती हैं कि ये सब क्यों हो रहा है? हाँ, मुझे पता है। जो आत्मा रोज वहां फोन करती है, वो मेरे बेटे रोहित की ही है। क्या? वो रोहित की आत्मा? हाँ, पहली बार ये आवाज सुन के मैं पहचान गई थी कि ये मेरी रोहित की ही आवाज है। पर रोहित ऐसा क्यों कर रहा है? क्या पता, शायद उसके साथ जो हुआ है उसी का बदला ले रहा हो। लेकिन वो मासूम लोगों से अपना बदला क्यों ले रहा है? क्या आपके पास वो रेडियो सेट है जिसके जरिए वो आत्माओं तक पहुंचने की कोशिश करता था? नहीं, रोहित के मौत के कुछ दिनों बाद कुछ अजीब सी आवाजें आने लग गई थी उस रेडियो में से। डर के मारे मैंने तो उस रेडियो को ही तोड़ दिया। तोड़ दिया? तोड़ने से पहले क्या आपने उसकी फ्रीक्वेंसी देखी थी? हाँ, कुछ याद नहीं। हाँ, शायद 87.5। ये तो रेडियो नेशन वाली फ्रीक्वेंसी। हाँ, इसलिए रोहित की आत्मा रेडियो नेशन के उस प्रोग्राम में आती है और वहां पर काम करने वाले लोगों को अपना शिकार बनाती है। कितनी अजीब बात है ना, कैसे इंसान अपने गुस्से का बदला उन लोगों पर निकाल देता है जिन्होंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा होता, जैसे रोहित की आत्मा ने रेडियो नेशन के लोगों के साथ किया। पर यार, गलती तो उन रेडियो वालों की भी है ना, क्या जरूरत थी उस फ्रीक्वेंसी पर जाने की? लेकिन राघव, उन्हें क्या पता था कि उसी फ्रीक्वेंसी में रोहित की आत्मा आएगी और उनके पीछे पड़ जाएगी। चल छोड़ यार, वैसे भी अब वो रेडियो नेशन बंद हो चुका है। आधी रात के बाद में आप सभी लोगों का ये आत्मा स्वागत करती है। हर्ष, 12 बज चुके, रेडियो ऑन करके देखो क्या आ रहा है। चेक करो। आधी रात के बाद में आप सभी का स्वागत है। आज इस प्रोग्राम का होस्ट भी मैं हूँ। हर्ष, सुनाने वाला भी ये आवाज तो रोहित की है ना? शायद रोहित की आत्मा ने रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर लिया है। पता नहीं यार, इस बार किसकी मौत लिखी है इस कहानी में? ये कहानी है एक रेडियो चौकी की, जो अपनी ऑफिस में कुछ जरूरी कागज भूल गई है। अब वो उन्हें लेने जा रही है। अकेली काले रंग के बैग से वो ऑफिस की चाबी निकालती है। काले रंग का बैग? काले रंग का बैग तो राखी के पास भी है, कहीं उसकी बात तो नहीं कर रहा। हमें राखी को बचाना होगा। पर कैसे हर्ष? क्या आपके पास वो रेडियो सेट है जिसके जरिए वो आत्माओं तक पहुंचने की कोशिश करता था? रोहित के मौत के कुछ दिनों बाद कुछ अजीब सी आवाजें आने लग गई थी उस रेडियो में से। डर के मारे मैंने तो उस रेडियो को ही तोड़ दिया।
अब हमारे पास एक ही रास्ता है, रेडियो नेशन के टावर को हमें तोड़ना ही होगा, तभी जाके वो आत्मा गायब होगी। मैं एक काम करता हूँ, यामिनी को फोन करके रेडियो नेशन बुला लेता हूँ। की आत्मा वापस आ गई है और आज रात को वो राखी को अपना शिकार बनाने वाली है। क्या? हाँ, तुम दोनों ऐसा करो, तुम जाकर राखी को ढूंढो, मैं ऊपर जाकर ट्रांसमिटर टावर तोड़ता हूं। अब राखी को बचाने का बस एक ही तरीका है, इस एंटीना टावर को तोड़कर रेडियो की फ्रीक्वेंसी चली जाएगी और वो आत्मा राखी तक नहीं पहुंच पाएगी। लाइट्स, लाइट्स को क्या हो गया? टॉर्च, टॉर्च का फाइल है। तुम दोनों ने चीख सुनी? ये चीख राखी की है। लगता है लाइट ट्रिप हो गई, मैं जाके मास्टर से चेक करता हूँ, तुम दोनों ढूंढो। तुम्हारा पीछा तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक छत पे लगे हुए एंटीना टावर को हम तोड़ नहीं देते। वक्त बहुत कम है यार, हमें जल्द से जल्द वो एंटीना टावर तोड़ देना चाहिए इससे पहले कि वो आत्मा आकर इसे फिर से मारने लगे। ठीक है, चलो क्या लेकर आओ, जल्दी करते यार, आत्मा कभी भी वापस आ सकती है। प्लीज मुझे बहुत डर लग रहा है, जल्दी
पीछे हट गई। तुम ठीक तो हो ना? घबराओ मत, अब वो आत्मा तुम्हें कभी तंग नहीं करेगी। हे, यामिनी कहाँ है? यामिनी, वो मुझे बचाने के लिए खुद आत्मा का सामना कर रही है। क्या? यामिनी! यामिनी, तुम ठीक तो हो? हर्ष, राखी, यामिनी, मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? यामिनी, थैंक यू सो मच, तुम लोगों ने मेरी जान बचाई। वो आत्मा ट्रांसमीटर तोड़ने के बाद वो आत्मा चली गई। रोहित की आत्मा उसी फ्रीक्वेंसी के जरिए इस धरती पर आई थी। हर्ष, हमें बाकी सारी रेडियो स्टेशन्स में ये बता देना चाहिए कि आइंदा गलती से भी उस फ्रीक्वेंसी पर ना जाए। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।